सुनती हो। सो दोस्तों पेश करते हैं रत्नागिरी के हापुस आम। सो ये रहे रत्नागिरी के हापुस आम, एकदम कच्चे हैं। कच्चे इसलिए लाया था कि ये पक जाए आराम से और हम आराम से खा सके। काफ़ी अच्छे रेट में लाया। अलीबाग गया था मैं एक्चुअली वीकेंड में मेरे फैमिली के साथ, तो मैंने बहुत लाया। इनफैक्ट 60 आम लाए हमने और थोड़े मैंने रखे, थोड़े मेरे मॉम डैड ले गए। मेरे मॉम डैड आए थे इनफैक्ट यहाँ पे। सबसे पहले इसी चालू करते हैं। फीलिंग बेटर नाउ? So, आप लोग का क्वेश्चन ये रहेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। बहुत लोग मेरे दोस्त लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछ रहे कि मैंने ऐसा क्यों किया। अभी क्या बताया तुमको, थोड़ा पर्सनल लाइफ रखने पड़ते हैं ना। सो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। ये वीडियो बहुत ही खास है बिकॉज ये वीडियो में मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ दैट आई एम मैरिड। यस गाइज, आई एम ऑलरेडी मैरिड। अभी जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं दे ऑलरेडी नो इट सिंस द बिगनिंग। आई मीन शादी के कुछ 3 दिन बाद ही मैंने डिक्लेयर कर दिया था ऑन इंस्टाग्राम। सो इंस्टाग्राम वाला अपना जो नीश पब्लिक है, नीश क्राउड है, जो हमारी टीम है इंस्टाग्राम की, दे ऑलरेडी नो इट। एंड रेस्ट ऑफ यू गाइज जो इंस्टाग्राम पे नहीं है, आ जाओ यार इंस्टाग्राम पे, काफ़ी कुछ शेयर करते रहते हैं हम लोग। लेट्स कम टू द पॉइंट। शादी कब हुई? शादी मेरी हुई 27th April 2019, मतलब एक महीने पहले ऑलमोस्ट मेरी शादी हो गई। एंड आई गॉट एंगेज्ड ऑन 15th of February 2019, मतलब कुछ 2.5 महीने पहले, तीन महीने पहले। सो 15th February बाय द वे मेरा बर्थडे, सो मेरे बर्थडे के दिन ही एंगेजमेंट थी। सो एंगेजमेंट के बाद शादी तक का जो 2.5 महीने था, वो 2.5 महीना होता है ना एंगेजमेंट और शादी के बीच का, जो महीना जिसमें हम लोग मिलते हैं, बातें होती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। सो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था, एक पुराने, नॉट पुराने, एक रीसेंट राइड चेन्नई के पहले एक राइड किया था मैंने वर्सेस पे, बेसिकली जो मेरा पहला राइड था वर्सेस पे, उस पर काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि मेरे पीछे कौन बैठा है, मेरे पीछे कौन बैठा है, शैडो दिख रहा था। आई ऑल्सो सॉ दैट इन एडिटिंग। ऑब्वियसली मुझे, मतलब मैं एडिटिंग कर रहा था, मुझे पता था कि लोग क्वेश्चन आने वाले, बट मैंने ऐसे छोड़ दिया कि लेट इट बी। थोड़ा एक हिंट दे देते हैं। ओह माय गॉड। सो टेक्निकली दैट वाज द फर्स्ट राइड विथ हर, दैट वाज ओनली राइड विथ हर एज अ फियांसे, नॉट एज अ वाइफ। एज अ वाइफ क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना। आई नो यू गाइस हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन जो इंस्टाग्राम पे मुझे पूछा था कि इज शी अ राइडर, वेल शी इज़ नॉट अ राइडर। इनफैक्ट मेरे, मैं उसके लाइफ पे आने से पहले उसको पता भी नहीं था मोटरसाइकिल्स के बारे में। उसके लिए एक स्प्लेंडर और एक पल्सर एक ही बाइक है, मतलब समझ रहे हो ना, यू नो व्हाट आई मीन, राइट? सो शी इज़ नॉट अ राइडर, शी इज़ नॉट अ व्लॉगर। फ्रॉम वेयर शी इज, शी इज़ फ्रॉम अमरावती, इफ यू गाइज नो, अकोला के पास ही एक सिटी है। सो शी इज़ फ्रॉम माई एरिया इट्स सेल्फ। वॉट डज शी डू? वेल शी वर्क्स इन एन आई टी कंपनी। अभी ज़्यादा डिटेल्स तो मैं ऑब्वियसली शेयर नहीं कर सकता। कहाँ जॉब करती है? शी इज़ टू वर्क इन पुणे, इसलिए मैं पुणे काफ़ी जाते रहता था, यू नो, 2 महीने। सो शी इज़ टू वर्क इन पुणे, नाउ शी वर्क्स इन मुंबई, ट्रांसफ़र ले लिया है। सो अच्छा हो गया, सब सॉर्टेड हो गया, अपना जो घर है वो भी सेट हो गया है। काफ़ी लोगों ने गेस कर लिया था घर मैंने अचानक से क्यों रेंट पे ले लिया एंड ऑल दैट। सो ऑल दिस थिंग इज फॉर रीजन, राइट? सो नाउ यू नो व्हाई आई बॉट वर्सेस। एंड फाइनली द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कि अरेंज मैरिज है या लव मैरिज, इसका जवाब वक्त ही देगा, हम नहीं देंगे, वक्त दे देगा। वेल काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि विल शी कम इन ब्लॉग्स। वेल आई डोंट नो, मतलब इतना मैंने सोचा नहीं। ऑब्वियसली शी विल कम इन ब्लॉग्स, बट रेगुलरली आएगी क्या एज अ स्टोरी लाइन जो ब्लॉग में हमारी चलती है वैसी आएगी क्या? आई एम नॉट श्योर इफ शी इज़ कम्फर्टेबल राइट नाउ, और आई एम नॉट श्योर इफ आई एम कम्फर्टेबल राइट नाउ, पर आएगी। आई ट्राई माई बेस्ट टू इंक्लूड हर इन ब्लॉग्स। मज़ा भी आएगा, आप लोग को एक नया कैरेक्टर आ जाएगा ब्लॉग में। Oh, no, no.
नाउ आई कुडंट ब्लॉग इन माई मैरिज बिकॉज शादी का जो इंटेंसिटी था वो इतना ज़्यादा था, यहाँ की मेरी वाली बड़ी फैमिली, वहाँ की बड़ी फैमिली, सो वो कम्बाइंड जो इंटेंसिटी थी वहाँ पे, वो आई कुडंट ब्लॉग बिकॉज मुझे पर्सनल टाइम ही नहीं मिल रहा था। मैं कैमरा लेके गया था, इट वॉज़ इन माई बैग, लाइंग ऐसे ही, जो अपना ट्राइपॉड है वो भी बैग में पड़ा था, ड्रोन भी लेके गया हुआ था, मैं ड्रोन भी पड़ा हुआ था, बट कम ऑन यार, शादी में मैं ड्रोन, मेरे खुद की शादी में मैं ड्रोन कैसे उड़ाऊँगा, कैमरा तक मैं पकड़ नहीं पाया। इसलिए मैंने मेरे फोटोग्राफर को बोला कि भाई तू वीडियो बना, जैसे भी बना रहे तेरे हिसाब से बना, पर वो वीडियो फाइल्स मुझे दे दे ताकि मैं फ्यूचर में उसको शेयर कर सकूँ मेरे पब्लिक के साथ। एंड आई सो वेरी मच वॉन्टेड यू गाइज टू कम, मतलब आई डोंट नो इफ दिस इज साउंडिंग वियर्ड, मैं चाहता था कि आप लोग जो जितना भी पॉसिबल हो अमरावती, अकोला या नागपुर या आसपास की या मुंबई के जो भी लोग आ सकते थे, मैं बहुत मन से अंदर से मैं चाहता था कि मेरे शादी में मेरे सब्सक्राइबर्स आए, जितने भी हो, 5, 50, 100 जितने भी हो आ जाए। वॉट एल्स वुड बी बेटर फॉर अ ब्लॉगर दैट उसकी शादी में इनके सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, बट आई कुडंट डू दैट बिकॉज नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट माई प्राइवेट सेरेमनी, राइट, इसमें बहुत बहुत बड़ी सेरेमनी है, बहुत सारे लोग होते हैं, दूसरी फैमिली के लोग होते हैं, सो थोड़ा सा रिस्क लेने से बेटर है कि मैंने ये चीज़ हिडन रखी, दिस इज़ ओनली द रीज़न आई केप्ट इट हिडन गाइज, और कुछ नहीं है। काफ़ी लोग मुझे कंप्लेन कर रहे हैं ऑन इंस्टाग्राम, कर रहे थे ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक दैट भाई बताया भी नहीं, भाई बताया भी नहीं, अपनी शादी कर ली, हिंट भी नहीं दिया, बुला लेते। आई एम रियली सॉरी गाइज, आई कुडंट, आई कॉल्ड फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स, जो मेरे करीबी दोस्त है वो आए थे, केतन मेहता साहब आए थे, सौरभ आए थे, और भी मुंबई के मेरे फ्रेंड्स को मैंने बुलाया था, बट अनफॉर्चुनेटली दे कुडंट कम। सो जैसे मैं घोड़ी पर चढ़ा, मेरे दिमाग में अचानक से ऐसा ख्याल आया कि यार मैं एक बाइकर हुआ, मैरिंग, आई हैव सर्टन सेट ऑफ पीपल विथ मी जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, सो वो लोग क्या सोचेंगे कि अभी शादी करने के बाद विल आई स्टॉप राइडिंग और मेरा यूट्यूब चैनल भी बंद कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला गाइस, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आई लव व्हाट आई डू ऑन यूट्यूब एंड आई लव व्हाट आई डू ऑन मोटरसाइकिल, सो वो चीज़ अपन ने क्लियर कट पहले ही अपना हिसाब किताब पहले हमने बता दिया है, सो कोई टेंशन की बात है नहीं, टू बी फ्रैंक इनफैक्ट उसका सपोर्ट है, सो आई डोंट थिंक सो कि मैं राइडिंग बंद करूँगा, राइडिंग तो मैं बंद कर ही नहीं सकता। अभी सिर्फ एक चीज़ ऐसी है कि पहले मैं निकल जाता था, मेरे मन में आया तो मैं कभी भी निकल जाता था, तो अभी थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा, बट दैट डजेंट मीन इट इज़ अ बैड थिंग, प्लान करके निकलना पड़ेगा, थोड़ा सा देख के निकलना पड़ेगा। इफ़ माई वाइफ, इफ़ शी इज़ कम्फर्टेबल राइडिंग विथ मी, छोटा मोटा इधर उधर, लंबा लंबा मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता, बट छोटा मोटा इधर उधर अगर मैं जा सकता हूँ विथ हर, सो ज़रूर जाऊँगा और ब्लॉग भी बनेगा, और वर्सेस काफ़ी केपेबल मोटरसाइकिल है, आपको तो पता है। सो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि व्हेन एंड वेयर आर वी राइडिंग नेक्स्ट। 15 दिन की छुट्टी तो अपन ने ले ली, अपने को कौन छुट्टी देगा यार, छुट्टी तो दे नहीं सकता, लद्दाख जाने की तो इतनी इच्छा थी, लद्दाख तो मेरा हो ही नहीं रहा है, कब नसीब आएगा लद्दाख का पता नहीं। सो एक्चुअली मैं व्लॉग इतना जल्दी बनाने नहीं वाला था, बट पता नहीं क्यों आई वॉज नॉट वेरी कम्फर्टेबल मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियो इतने जल्दी, बट फिर मैंने सोचा कि इंस्टाग्राम पे मैंने फोटो डाला, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया भाई शादी पर ब्लॉग बनाओ। ये वीडियो मैंने क्यों बनाया, बिकॉज अभी अगले वीडियो में आपको बहुत बड़ा सरप्राइज ना मिल जाए, इसलिए अगले वीडियो में हम लोग कहीं और जा रहे हैं, करेंसी एक्सचेंज करा के आया हूँ मैं आज, फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। आई थिंक आई शुड एंड माई वीडियो ओवर हियर, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू हिट द लाइक बटन फॉर एनी रीजन, अगर आप सरप्राइज्ड हो तो कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो कि आप सरप्राइज्ड हो, आपको बहुत बड़ा झटका लगा होगा, तो डू हिट द लाइक बटन, नहीं अच्छा लगा वीडियो तो डिसलाइक करो, बट बिना लाइक या डिसलाइक किए मत जाना। मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, प्रॉबेबली क्या, ऑब्वियसली फ्लाइंग समवेयर वो ब्लॉग में, फर्स्ट अपने चैनल का फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइंग वाला वीडियो, सो माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप बाय द वे, सो पहला स्टैम्प लगेगा अपने पासपोर्ट पे, सो यस वीडियो एंड करते हैं, मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक खुश रहो, आबाद रहो और
मजे लो, समर टाइम है।